करो का योगी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की दुकानों पर मिलेगा दूध, घी, ब्यूटी प्रोडक्ट और रोजमर्रा का हर सामान। वरुण गांधी ने पंडित नेहरू की प्रशंसा की, कहा पर नाना ने आलोचकों को भी दिया मौका, बना दिया था स्पीकर। मेरठ में शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट, AIMIM और बीजेपी पार्षदों में जमकर हुई हाथापाई। शाहजहांपुर में शपथ ग्रहण के बाद मंदिर पहुंची महापौर अर्चना वर्मा, बोली ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वादों को पूरा कर सकूं। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ बैठाई जांच की निरस्त, राज्यपाल की तरफ से जारी हुआ आदेश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर अलीगढ़ से है, जहां मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से नमाज अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश के जिलों में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया हुआ है कि जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ी जाती है, उन मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटवाया जाए, जिससे ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने प्रशासन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन करने की बात कहते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने की बात को कहा है। ये चाहे वो मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, बरेली हो, चंदौसी हो, मेरठ हो, और चाहे सरदना हो, ये चीजें ऐसी हैं यहाँ पर इन लोगों ने इतनी अति कर रखी है कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इतनी जोर जोर से अजान होती है कि पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और इनका नियम है, जिस समय अजान होगी तो भाई साहब हम लोग शंख भी नहीं बजा सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक के। लेकिन इनकी जो जिद है, जो इनकी जदो एक तरीके से हदें पार कर रहे हैं ये, कि इनका अल्लाह ताला क्या बिना माइक के सुनता नहीं है क्या? खबर लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर आजम खां के मामले को लेकर तीखा हमला बोला है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खां को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। अब इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया है। साथ ही आजम खां की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल करने की मांग की है। अखिलेश ने आजम खां को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से मिली राहत के बाद भाजपा पर झूठे मुकदमे कराने का आरोप लगाया, कहा कि अधिकारियों की मिली भगत से उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। भाजपा राज में झूठे मुकदमों का सच बाहर आना शुरू हो गया है। औरैया नगर निकाय के चुनाव के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष पद एवं सदस्यों ने शपथ लिया। अछलंदा नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार दुबे ने समाजवादी पार्टी से लड़ा चुनाव था, जिसमें उनकी जीत हुई थी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने 2000 नोट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदीप यादव ने कहा कि जब 1000 का नोट बंद किया था तो कहा था कि काला धन वापस होगा, तो फिर 2000 का नोट क्यों चलाया था? 2000 का नोट तो और ज्यादा लोग इकट्ठा करेंगे। उन्होंने इस बात को नहीं समझा, उस समय ही निर्णय वापस ले लेना चाहिए था। पहले 1000 का नोट चलता था, उसे जब बंद किया तो ये कह के बंद किया गया था कि इससे काला धन इकट्ठा होता है। तो जब ये कह के बंद किया था तो 2000 नोट की चलाने की जरूरत क्या थी भाई? जब 1000 का नोट काला बाजारी करेगा, उससे 2000 का नोट और ज्यादा करेगा, उसे लोग ज़्यादा और इकट्ठे करेंगे। जब 2000 का नोट प्रचलन में नहीं रहा, दिखाई नहीं दिया, बैंकों में कम जमा होने लगा, तब उन्होंने 2000 के नोट को जो है बदला, ख़त्म किया। तो इससे पहले उन्हें ये बात पहले विचार कर लेनी चाहिए कि कौन सा स्टेप्स अच्छा उस समय जब नोटबंदी हुई।
गाजीपुर में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष इन दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। दरअसल विपक्ष नए संसद भवन के नाम पर दलित वोट कार्ड खेलने का काम कर रहा है। इसी मामले पर गाजीपुर के दौरे पर आए ओम प्रकाश राजभर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब राष्ट्रपति चुनाव था तब यही विपक्ष के लोग एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दे रहे थे। विपक्ष की मांग है कि सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, इसलिए वो उद्घाटन करें। समाज पार्टी का मानना है कि जितनी बड़ी नोट है 500, 1000, 2000 सब बंद कर दो। सबसे बड़ी नोट 100 रुपए की रखो, 50 की रखो, 20 की रखो, 10 को रखो, 2 की रखो, 1 की रखो। भ्रष्टाचार को अगर लगाम लगाना है, आतंकवाद को लगाम लगाना है, तो जितनी छोटी नोट होगी, अब किसी अधिकारी को अगर 10 लाख लोन 10 लाख अगर देना है घुस पताई, तो 100-100 वाला भी ले जाए तो बोरा में भर के ले जाए कोई है, और 50 वाला अगर बिड़ा दिया था। गाजीपुर के दौरे पर ओम प्रकाश राजभर रहे, जहां उन्होंने नए संसद भवन को लेकर तमाम बातें कही हैं। तादे संसद भवन का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए एटा दबिश देने गई पुलिस टीम में शामिल एक सिपाही और रेप के आरोपी रिश्तेदार चौकीदार का कासगंज में एक्सीडेंट हो गया। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनन-फानन में पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद इस पूरे मामले की विभागीय जाँच ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की ओर से की जा रही है। एक दुखद सूचना आज प्रातः प्राप्त हुई है, जिसमें मक्खन लाल जो कि गंगेरी में ग्राम प्रहरी के रूप में तैनात थे, इनके एवं हमारे एक कांस्टेबल अंकित कुमार, इनके एक्सीडेंट में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें श्री मक्खन लाल इनकी मृत्यु हो गई है और अंकित कुमार ये अस्पताल में भर्ती है। इस संबंध में संबंधित हमारे यहाँ के जनपद के क्षेत्राधिकारी अतरौली एवं SPRA को भेजा गया था, इनके परिजनों से ये मिले थे। इसमें यह ज्ञात हुआ है कि हरदवागंज पर 24 तारीख को एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम रूपा है। यह अभियुक्त का एटा में लोकेशन होना पाया जा रहा था, जिसमें संबंधित थाने की टीम आदि रवाना हुई थी। बाराबंकी के रामनगर हाईवे पर शहाबपुर नहर के बाराबंकी की ओर जा रहे दो बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक बाइक के पीछे बैठी 13 साल की लड़की सड़क पर गिर गई और रामनगर की ओर जा रहे अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया। घटना स्थल पर लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बाइकों पर सवार अन्य 3 घायल हो गए, जिनको पुलिस ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया और मृतिका का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, परिजनों की ओर से तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हरदोई में देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसी गांव के युवक ने युवती से दुष्कर्म किया। जब युवती गर्भवती हो गई तब शादी करने से इनकार कर दिया। युवक और युवती दोनों अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। दुर्गेश ने कहे कि मतलब 4 साल से हमसे लगे थे, इनने कहे कि शादी में करीब और शादी जब दूसरी थिया कर दे हमको छोड़ दे। काहे तुमको छोड़ दे? जब कह रहे पेट में बच्चा आ गया तब कह रहे हमसे नहीं मतलब कुछ। कहीं FIR वगैरह कराई थी, कुछ चली गई थी? हाँ। क्या हुआ? सुनवाई नहीं हुआ कुछ का दिन। यहाँ जुड़ी किससे मिले? बाबू जी से आए थे तो मिले नहीं। झांसा देकर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है युवक पर, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? एक युवती करीब 20 वर्ष की है, यहाँ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में रहती है और वहीं का एक लड़का है। इनका आपस में 4 साल से संबंध था, ये दोनों साथ साथ रहते भी थे लिव इन में,
दोनों परिवार एक दूसरे के राजी भी थे शादी करने के लिए, किंतु इस समय वो गर्भवती हैं और उनका ये कहना है कि जो लड़के का परिवार है और लड़का शादी करने के लिए राजी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरदोई से हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ चुके हैं। हर्षराज, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला? मयूरी, बताना चाहेंगे, कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती अपने प्रेमी के साथ लिविन में रहती थी। उसके गांव निवासी दुर्वेश ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ 4 वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। इस दौरान उसके परिवार के लोग भी शादी के लिए राजी थे। जब युवती 7 माह की गर्भवती हो गई तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने समाज में बदनामी होने के चलते काफी मिन्नतें की, लेकिन युवक नहीं माना। पुलिस के पास जाने के बाद पीड़िता ने मामले की एसपी से शिकायत की। बताते हैं कि युवक और युवती अलग अलग जात से संबंध रखते हैं। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद से युवक अपने समाज की युवती से शादी करना चाहता है, जिससे परेशान पीड़िता ने उच्च अधिकारी से मामले की शिकायत की, जिससे दुर्वेश के पिता सियाराम और भाइयों रामनिवास रामदास और पता आरोप लगाए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिया। जी धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के लिए। अलीगढ़ में तैनात क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की प्रयागराज में सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल इंस्पेक्टर चंद्रमोहन यादव परिवार के साथ सफर कर रहे थे, इस दौरान कार और कैंटर में जोरदार टक्कर हो गई और इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इंस्पेक्टर की मौत के साथ ही कार में सवार परिवार के अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर पुलिस ने शोक व्यक्त किया है। इस घटना के बाद पुलिस घटना क्रम की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।